सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्निंग टेक्नोलॉजी चैनल को और इस बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी और आज के वीडियो में मैं एक सम्स बताने वाला हूं। तो आप झोपड़ी जानते हो, झोपड़ी ऐसा होता है। हाँ, तो एक्चुअली स्ट्रेट पेन है, तो उसे कुछ इस तरह का ड्राइंग था। ये साइड और ये साइड दिया हुआ था 5 मीटर का और ये 9 मीटर का, और ये एंगल पता था उसे 20 डिग्री। ये साइड का प्रैक्टिकल सम्स है, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस टाइप का था ये हाइपोटेन्यूज, उससे पूछा गया है, तो उसी ने मुझे मेल किया कल ये सम्स। मैं आज इसको सॉल्व करके आप सभी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसका टाइटल क्या हो जाता है, हाउ टू कैलकुलेट लेंथ यूजिंग एंगल। एंगल हमें पता है, हमें ये लेंथ निकालना है। तो इस स्केच को मैं यहाँ पे अच्छे से बना लिया हूँ, देख लीजिए। ये 9 मीटर है, ये भी 9 मीटर है, हालांकि इसका जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, वो 5 मीटर का है। ये 20 डिग्री है इसके साथ, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राइंगल समझ के इसको बाहर निकाल लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो ये वो ट्रायंगल हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। इसी को मैं उठा के यहां पे निकाल दिया हूं, ठीक है। इसमें हमारा क्या क्या नोन है ये पता है मुझे, 5 मीटर का है और कुछ नहीं, हाँ सॉरी, ये एंगल पता है 20 डिग्री का है, और कुछ पता है, और कुछ नहीं पता है। और क्या मांगा है मुझसे, ये वाला, इसको मैं हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि सर खुद से क्या अपनी मर्जी से हाइपोटेन्यूज पकड़ लोगे, इसमें बेस परपेंडिकुलर कैसे हम लोग पकड़ेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर हम लोग स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना। अब हम लोग सिर्फ समझना है कि बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा है। हमेशा याद रखना, एंगल का ऑपोजिट साइड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है हमेशा। आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये है इसका बेस, नहीं, और ये है परपेंडिकुलर, जी नहीं, एंगल के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल का जो ऑपोजिट साइड है, एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है, बीसी, इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेस और ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, जो गिवेन है वो लिख लेता हूँ पहले। जैसे ए बी इज इक्वल टू क्या है, बेस, जो कि है मेरा 5 मीटर का, ए बी बेस है 5 मीटर का, ए सी है हाइपोटेन्यूज, जो कि हमें नहीं पता, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। अब मैं एक राम मान बताता हूँ आपको फॉर्मूला, आप लोग सभी क्लास 9 में पढ़े होंगे, पता नहीं अभी याद है कि नहीं, ये हमेशा याद रखना। साइन थीटा बाई पी एच, पी परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। कॉस थीटा बाई बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा बाई टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे ये जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, इस तीनों से किसके संग मैच कर रहे हैं, वही हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले देखिए थीटा दिया हुआ है, थीटा तो सभी में है, इसका मतलब क्या है कि तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, राइट। नेक्स्ट गिवन क्या है, बेस। अब देखिए कि बेस किसमें किसमें है, बेस इसमें है, इसमें है, इसका मतलब क्या है कि साइन वाला जो फॉर्मूला है वो लगने वाला है नहीं, मेरा मेरा लगने वाला है फॉर्मूला कॉस थीटा का और टैन थीटा का, ठीक है, इस दोनों में बेस है।
अब देखिए हमें निकालना क्या था, हाइपोटेन्यूज ना। अब देखिए दोनों में हाइपोटेन्यूज किस में है, इसमें तो परपेंडिकुलर है भैया, तो ये काम नहीं आने वाला, ये हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला है उससे हम इजिली निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, अब बस वैल्यू बैठाओ और निकालो, और कुछ नहीं है। 20 डिग्री, कॉस 20, बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पे देख लीजिए, 5 मीटर था, 5। हाइपोटेन्यूज तो मुझे निकालना है, ठीक है। आप क्या करते हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 बाई cos थीटा, cos 20 डिग्री। साइंटिफिक कैलकुलेटर से cos 20 का वैल्यू निकाल लेना, वो आपका आएगा 0.9397। इसे आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 5.321 मीटर। इसका मतलब क्या है कि हाइपोटेन्यूज जो है इसका वैल्यू कितना आया, 5.321 मीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5321 मिलीमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको भी समझ में आ गया होगा और सारे मेरे व्यूअर्स आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, ये जो सम्स था, अगर ये सम्स ऐसा हो, हाइपोटेनिस भी आपको निकालना हो लेकिन ये भैया दे दिया हो, ये एंगल दे दिया आपका 20 डिग्री, ठीक है, और ये जो है साइड ये रहा आपका सपोज 10 मीटर, तो आपको ये निकालना है एक्स। ये फाइंड कीजिए और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताइए कितना हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ फिर कुछ नया लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्निंग टेक्नोलॉजी चैनल को और इस बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।